बॉलीवुड में अब तक हुए जितने भी विलेन हैं उन सभी में अमरीश पुरी अपनी ऊंची कदकाठी और बुलंद आवाज के बल पर सबसे आगे निकल गए थे। शाबाश मेरे शेर। अमरीश पुरी की गोल गोल घूमती हुई आंखें सामने खड़े व्यक्ति के भीतर दहशत पैदा कर देती थीं। अमरीश पुरी का कसरती बदन फौलाद की तरह मजबूत दिखाई देता था। उनकी फिल्में आकर चली जाती थी मगर उनका किरदार दर्शकों को बरसों याद रहता था। बंदूके, बम, हथियार। 22 जून 1932 को जन्मे अमरीश पुरी अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। 20 साल तक वह सरकारी नौकरी में रहे। अपनी क्रिएटिविटी के संतोष के लिए अमरीश पुरी रंगमंच से जुड़ गए थे। पंडित सत्यदेव दुबे जैसे निर्देशकों के मार्गदर्शन में उन्होंने 50 से अधिक नाटकों में काम किया था। फिर 1954 में अमरीश पुरी ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की लेकिन फिल्म निर्माताओं ने क्रूड एंड हार्श फेस कहकर उन्हें ठुकरा दिया था। जब अमरीश पुरी की उम्र 40 साल की हो गई तब उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस उम्र तक आते आते कई कलाकार यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उनके खाते में 2 दशक का अनुभव और फिल्में हैं, मगर किसे पता था कि कुछ वर्षों बीत जाने के बाद यही अभिनेता अपने मनपसंद रोल करेगा और खलनायकी की सबसे अधिक कीमत वसूलेगा। फिल्मकार सुखदेव ने अमरीश पुरी को फिल्म रेशमा और शेरा का ऑफर दिया था। कुछ दिनों बाद फिल्म का निर्देशन सुनील दत्त के हाथों में आया तो अमरीश पुरी ने राजस्थान के रेगिस्तान में ऊँटों के बीच चलने वाली इस प्रेम कथा को पसंद करके अपनी मंजूरी दे दी थी। इस रोल के बाद 5 साल बीत गई लेकिन अमरीश पुरी को फिर से कोई अच्छा रोल नहीं मिला। जब हिंदी फिल्मों में कला सिनेमा की मसाल श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार ने जलाई तो रंगमंच और पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षित कलाकारों को अनेक ऑफर मिले। अमरीश पुरी भी उस भीड़ में शामिल कर लिए गए। श्याम बेनेगल के साथ उन्होंने फिल्म निशांत, मंथन तथा भूमिका जैसी फिल्में की और अपने अभिनय की प्रतिभा का लोहा मनवाया। बंदूके, बम, हथियार, लूट लाया रे तू तो पुलिस को लूट लाया। कमर्शियल फिल्मों में अमरीश पुरी की पहचान फिल्म हम 5 जो 1981 में रिलीज हुई थी उससे बनी। इसके बाद फिल्म विधाता और हीरो ने उन्हें हीरो विलेन बना दिया और उनकी बॉलीवुड में डिमांड बढ़ती चली गई। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। यहाँ तक आए हुए यह बता देना जरूरी है कि अब अमजद खान यानी गब्बर सिंह का जादू उतर चुका था और अमरीश पुरी का जादू विलेन के रूप में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। इसी समय अनेक चिल्लर विलेन मैदान में जरूर आ गए थे मगर वे अमरीश पुरी के सामने बोनित साबित हुए। अमरीश के कैरियर में धमाका फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो रोल से हुआ। उनकी पंच लाइन थी मोगेम्बो खुश हुआ, इसे दर्शक अब बार बार दोहराने लगे थे और यह डायलॉग आज भी लोगों के जुबान पर रहता है। मोगेम्बो खुश हुआ। जब अमरीश पुरी ने अपने आप को अब विलेन के अवतार के रूप में ब्रांड बना लिया था तब बॉलीवुड के बादशाह स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम जो 1984 में रिलीज हुई थी उसमें मुख्य विलेन अमरीश पुरी को बनाया। अमरीश पुरी ने स्पीलबर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया और उनकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर हो गई थी। इसके बाद हॉलीवुड फिल्मों के कई ऑफर अमरीश पुरी को मिले। अमरीश पुरी अपने समय के खलनायकों को अक्सर चॉकलेट बॉयज कहकर पुकारते थे। अमरीश पुरी जैसे विलेन अभिनेता को दिग्गज फिल्मकार जैसे श्याम बेनेगल, गोविंद नेहलानी, राकेश रोशन, राजकुमार संतोषी मिले जिन्होंने अमरीश पुरी की प्रतिभा को परखा और उनकी संतुष्टि के रोल दिए। अमरीश पुरी की अभिनय प्रतिभा से उनके साथ काम करने वाले हीरो भी घबराते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि फिल्म के तमाम सीन अमरीश पुरी चुरा के ले जाएंगे और वो पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा छा जाएंगे। कुछ फिल्मों में अमरीश पुरी को पॉजिटिव रोल करने के मौके भी मिले। प्रियदर्शन की फिल्म मुस्कराहट में एक झक्की जज के रोल को उन्होंने कुछ इस अंदाज में जिया कि पूरी फिल्म में दर्शक मुस्कराते रहे। राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में भी अमरीश पुरी ने बीमार पिता का रोल निभाया जो आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके बाद फूल और कांटे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम लखन, सौदागर, घायल, दामिनी जैसी कई फिल्मों में उनकी मुख मुद्राएं, डायलॉग बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज देखने लायक है। अमरीश पुरी का स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़बरदस्त होती थी कि दर्शक ठगे रह जाते थे। उन्हें लगता था कि ये विलेन न होकर कोई हीरो है। जब अमरीश पुरी को रोल कम मिलने लगे या फिर फालतू रोल उन्होंने उस दौर के दूसरे विलेन के लिए छोड़ दिए, वे अपने घर पर रहकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे। कैंसर की बीमारी की वजह से उनका 12 फरवरी 2005 को निधन हो गया था।
उनके गुजरने के बाद बॉलीवुड को उनके जैसा दूसरा दमदार खलनायक अभी तक नहीं मिल पाया है। मोगेम्बो, खुश हो। अमरीश पुरी ने अपनी लाइफ में 400 से अधिक मूवी में काम किया और एक विलेन के रूप में अपनी जो पहचान बनाई वो आज तक दर्शकों के दिलों में छाई हुई है। उनके जैसा विलेन अभिनेता अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है।